सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका हूँ होस्ट एंड दोस्त आरएफ रजत पांडे, और अभी हम हैं सीकेपी डिवीज़न में, और ये है हमारा सीकेपी डिवीज़न का चकरधरपुर स्टेशन, चकरधरपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे। और ये स्टेशन जो है ये आ जाता है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में, और दूसरा जो है ये हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू वाला जो डिवीज़न है, जो जोन है, वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कानपुर। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा सीकेपी डिवीज़न आ जाता है, जो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू डिवीज़न भी इसको बोलते हैं इंडियन रेलवेज़ का। और इस डिवीज़न में सबसे ख़ास बात यह है कि पूरे इंडिया में आयरन ओर और कोयला का मैक्सिमम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो यही डिवीज़न करता है। इस वजह से ये डिवीज़न की भी जो प्रायोरिटी है बढ़ जाती है। और अभी हमें फ़िलहाल सीकेपी डिवीज़न के प्लेटफॉर्म नंबर एक में, चकरधरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें जो हैं रुकती हैं, सिवाय दो ट्रेन छोड़ के, और उसमें है आपका, पहली ट्रेन है आपका हावड़ा मुंबई CSTM दुरंतो, और दूसरी है हावड़ा पुणे दुरंतो। बाकी सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका यहाँ पर टेक्निकल होल्ड भी है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा क्रू और गार्ड लॉबी, जो ड्राइवर गार्ड हमारे लोको पायलट साहब और गार्ड साहब होते हैं, उनकी यहाँ पे चेंजिंग होती है, टीटी लुक की चेंजिंग होती है। कमर्शियल हॉल्ट भी है, टेक्निकल हॉल्ट भी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे शायद अहमदाबाद हावड़ा का डिपार्चर हो रहा है, आप देख लीजिए। वो जो ट्रेन जा रही है वो है 12833 हावड़ा अहमदाबाद, अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और वो अभी जस्ट उसका डिपार्चर हो रहा है। ट्रेन 10 मिनट डिले है, और मैं यहाँ बाय रोड आया था कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि स्टेशन का व्लॉग तो आप लोग मेरे देखते ही हैं, पसंद करते ही हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये जो व्लॉग है, व्लॉगिंग जो करना है इसका, तो मैंने सोचा कि इसको मॉर्निंग में शॉट लूँगा, कि मॉर्निंग में क्या है, सनरेज अच्छा आता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि जो वीडियो क्वालिटी वो भी आती है अच्छी दिन में। इसलिए हालांकि ऐसे मैंने राहुल किला का भी सोचा था, बट राहुल किला का हो नहीं पाया, ट्रेन लेट हो गई थी मेरी। तो हुआ ये कि उस टाइम राहुल किला जब मैं जा रहा था व्लॉग शूट करने के लिए, तो जो मेरी ट्रेन थी वो वहाँ पर अपने एक्चुअल अराइवल टाइम से, वो जो ट्रेन है ना, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेट पहुँची थी। इसलिए वो जो है नाइट में व्लॉग शूट हुआ था, वरना उसकी भी क्वालिटी अच्छी आती। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें वीडियो क्वालिटी में इतना अंतर क्यों आया है। ऑफ़ कोर्स सीधी सी बात है, मेरे पास तो कोई डिवाइस ऑब्जेक्ट है नहीं, और मतलब जो शूट करता हूँ मैं अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से शूट करता हूँ, तो इसलिए जो क्या है ना, इस वजह से भी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। और मैं आपको पीछे दिखा दूँगा, ये देखिए, ये मतलब पूरा हमारा सीकेपी स्टेशन है, और ये छोटा सा गार्डन टाइप का बना है, काफ़ी हरा भरा स्टेशन भी है। मैं आपको आगे का भी व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप पूरा, मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे आसपास में बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे आपको। और मेरे पीछे गुड्स ट्रेन खड़ी है, और इस रूट में जो मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू वाला डिवीज़न है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का चकरधरपुर डिवीज़न। फर्स्ट में आता है कानपुर, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न में पड़ता है, और ये पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, जो कि सबसे सेकेंड में आता है, हाईएस्ट रेवेन्यू वाला जोन है। यानी इस डिवीज़न का जो रेवेन्यू है वो गुड्स कमर्शियल के वजह से इनकम जो होती है उसमें इसकी सेकेंड रैंकिंग आती है, सेकेंड पोजिशन पर, पहले पोजिशन पर कानपुर है। और दूसरी चीज़ ये, चलिए मैं आपको अभी स्टेशन की और एक अच्छी छोटी सी जानकारी भी दे देता हूँ। स्टेशन आप देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, और साफ सफाई यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है स्टेशन पे। प्लस क्या है कि मेरे हिसाब से, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, तो पहला तो आपका उधर NCR कानपुर नई दिल्ली उधर का तो सब जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर DFC भी बन चुका है, बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे, मतलब प्लस पॉइंट भी उस रूट का ज़्यादा है। सेम वैसे ही हमारे CKP डिवीज़न का भी प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस डिवीज़न में भी गाड़ियाँ बहुत
कम लेट होती है, बहुत ना के बराबर, मतलब आप मान के चलिए कि 95% जो ट्रेनें हैं इस रूट में वो राइट टाइम ही चलती हैं। और सीकेपी से हावड़ा का जो रूट है ना वो बहुत ही शानदार है, सुंदर है। और यहाँ पर जो है मतलब प्लेटफॉर्म नंबर एक में मैं अभी खड़ा हूँ इस वक्त, आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है और ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से कोविड काल के पहले यानी कोरोना काल के पहले बहुत सारी मेमू लोकल ट्रेनें भी चलती थी, पर अभी तो स्टार्ट नहीं हुई हैं ट्रेनें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ से कुछ अभी एक दो ट्रेन है जो जाती है, तो उसमें एक है आपका हावड़ा चकरधरपुर पैसेंजर और दूसरी है हावड़ा बोकारो पैसेंजर। तो वो जो दोनों ट्रेनें हैं ना वो वाया आगरा होते हुए, आगरा मिदनापुर होते हुए हावड़ा की ओर जाती हैं और सेम उसी रूट से यहाँ पर आती हैं। बाकी आप मैं देख लीजिए, एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं प्लेटफॉर्म नंबर एक में हूँ। और बाकी अगर आप दिन में इस स्टेशन से होके जाते हैं तो आपको यहाँ नाश्ता वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। स्टेशन के बाहर में भी मतलब बहुत सारा चीज़ है खाने पीने के लिए, जैसे कि यहाँ पे बाहर में फूड होटल वगैरह है छोटे छोटे, तो वहाँ पर आपको इडली और आपका मेदू वड़ा ये सारा जो है मतलब खाने पीने के लिए दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ तो स्टेशन तो काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा है, काफ़ी शांत माहौल है। तो ये है कि इस स्टेशन से अगर आप दिन में जाते हैं तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये फिर से मैं बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू वाला डिवीज़न है चकरधरपुर डिवीज़न, जो कि हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है। इसके बाद जो इसका अगला जो डिवीज़न पड़ता है वो है आपका खड़गपुर। तो इस साउथ ईस्टर्न रेलवे के जोन के अंदर में 3 डिवीज़न पड़ते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाता है सीकेपी, दूसरा हो जाता है आपका खड़गपुर डिवीज़न, उसके बाद तीसरा और लास्ट हो जाता है आपका हावड़ा डिवीज़न। तो बहुत जल्द मेरा प्लानिंग तो आज का ही था, बट कुछ कारण से आज वो जमशेदपुर मेरा कवर नहीं हो पाया। अगले बार मेरा टारगेट रहेगा मैं टाटा को खड़गपुर और हावड़ा, जो तीनों मैंने बोला है उसको मैं बहुत जल्द कवर करूँगा। आप सबके लिए तीनों स्टेशन का व्लॉग लेके आऊँगा, खाने पीने के भी मैंने आपको डिटेल बता दी, जितनी सारी यहाँ से ट्रेनें हैं जो गुजरती हैं हावड़ा रूट की, मुंबई रूट की और आपका पुणे रूट की ट्रेनें हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको यहाँ से उड़ीसा के लिए भी जाना है, जैसे आपका राउरकेला हो गया, जगदलपुर हो गया, संबलपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, तो उस रूट के लिए भी आपको यहाँ से ट्रेनें मिल जाएंगी। कोई मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस ट्रेन में हम यहाँ से जाएँ उड़ीसा के लिए। बाकी इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करूँगा, वरना वीडियो हो जाएगा लंबा, क्योंकि मैं मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर का व्लॉग शूट भी नहीं कर पाता हूँ। तो मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, अब जो बाकी स्टेशन जो मुझे कवर करने हैं, बाकी मैं जहाँ तक अभी देख रहा हूँ काफ़ी साफ़ सुथरा है स्टेशन, काफ़ी साफ़ सफाई अच्छी यहाँ पे, और होगी भी क्योंकि ये डिवीज़न भी हो है। और यहीं पर हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो DRM सर हैं उनका भी ऑफिस है, स्टेशन के पास में ही है। तो मतलब ये है, ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से A1 ग्रेड का ही स्टेशन से कम नहीं है, क्योंकि ये डिवीज़न भी है और इस डिवीज़न में गाड़ियाँ बहुत ना के बराबर लेट होती हैं। हाँ, ये है इस डिवीज़न की एक और बात कि मतलब यहाँ जो गुड्स का जो मतलब बोलते हैं ना ट्रैफिक लोड, वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि या मतलब यही एक ऐसा जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, यही एक ऐसा डिवीज़न है जो सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया में यहीं से आयरन ओर और कोयला का प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये इस डिवीज़न की, इस रूट की खासियत है। तो मिलूँगा आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट बड़े स्टेशन के व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलूँगा आप सबसे, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने कोविड के दोनों वैक्सीन्स लीजिए और उनका सर्टिफिकेट PDF डाउनलोड करके ट्रैवल करिए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अब किसी नेक्स्ट बड़े स्टेशन के व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद। और मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।
और मेरे चैनल आरएफ रजत पांडे को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियोस नोटिफिकेशंस जो भी होते हैं रेलवे के आपके लिए लाते रहूं। मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट बड़े स्टेशन के व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।